बागबान मूवी जो है उसका जो शूट हुआ था वो जो बंगलो है वो इधर है ये जगह पे। पहुंच चुके हैं हम वही वाले मंदिर पे जो कि बहुत सारे सीरियल्स और मूवीज में दिखाई दिया है, खास करके दीवार मूवी में। पूजा गर्मा गर्म नाश्ता बना रही है, आइए yes. देखते हैं नाश्ते में क्या है। थेपला बन रहा है, थेपला और चाय एकदम डेडली कॉम्बिनेशन है। एक इवेंट खत्म किया है, अभी हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं, एक एक्साइटिंग जगह पे। भागम भाग दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा वैसा सिचुएशन है अभी आज हमारा। तो सुबह का जिधर मैं गई थी वो तो आप लोगों ने देख ही लिया कि मैं किधर गई थी। पिंका धोन के लिए गई थी, वॉक करने के लिए गई थी। तो वो खत्म करके आने के बाद अभी बना रही हूँ झट से नाश्ता, क्योंकि अभी एक ही घंटा है हमारे पास और एक घंटे में हमको वापस से निकलना है एक और जगह पे जाने के लिए। वो भी आप लोगों को मैं अभी दिखाने वाली हूँ कि हम किधर जा रहे हैं। तो बस ऐसे ही आज का हमारा सैटरडे शुरू हुआ एकदम हैपनिंग के साथ। हेलो फ्रेंड्स, तो वापस से मैं आपको मिल गई हूँ और अभी हम लोग निकल गए हैं एक और जगह पे जाने के लिए। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा हैपनिंग हो रहा है। सुबह हम गए थे पिंका थॉन के लिए और अभी हम लोग जा रहे हैं मुंबई फिल्म सिटी की टूर करने के लिए। तो आप लोगों को मैं जरूर से मेरे साथ लेके जा रही हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, खास करके मुंबई के बाहर रहने वाले लोग, जिनको बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि मुंबई में फिल्म सिटी की दुनिया कैसी होगी, किस तरह से वो लोग सब शूट करते होंगे, टीवी सीरियल्स कैसे बनती होगी। तो वही सारी चीजें मैं आज आप लोगों से रूबरू करवाने वाली हूँ और आप लोगों को भी मैं साथ लेके जा रही हूँ विथ माई फैमिली मेम्बर्स। तो फिर चलिए जल्दी से साथ में घूमते हैं हम लोग, आज का दिन सैटरडे का दिन स्पेंड करते हैं। ये देखिए मुंबई की मेट्रो ऊपर से जा रही है। तो बस हमारा डेस्टिनेशन आ गया है और सामने ही आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी बसेस खड़ी है जो कि हमको लेके जाएगी अभी। और ये देखिए दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी का मेन गेट, इधर से ही सारे लोग, सारे आर्टिस्ट, सारे कलाकार आते जाते रहते हैं पूरे दिन पूरी रात। और इधर मेरा फैमिली खड़ा है और ये वाली जो जगह है इधर ही आपको टिकट कलेक्ट करना है, आपका ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हो। तो आपको मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं, इधर आके आपको टिकट कलेक्ट करके इधर ये जो चेयर्स रखी है उसमें आप बैठ जाइए और फिर जब बस का टाइम रहेगा आपका जो भी स्लॉट रहेगा तब आपकी बस में वो लोग नाम अनाउंस करेंगे और आपको जाना है। तो हम लोग अभी आ गए हैं मुंबई फिल्म सिटी की टूर करने के लिए। इधर इस तरफ हमारी बसेस खड़ी है और अभी हम लोग सब जाने वाले हैं टूर का आनंद लेने के लिए। ये है मेरी चाची, इनको आपने ऑलरेडी देखा है मेरे पुराने व्लॉग्स में। तो ये लोग आए हैं तो बस उसी बहाने हम लोगों का भी घूमने का हो जाएगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, आप इधर ऑटो गाड़ी कुछ भी इधर रोक नहीं सकते हो और उनके जो रूल्स है वो तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। और ये गेट के बाहर ही ये इंफॉर्मेशन जो भी है वो सारी इधर लिखी हुई है। ये है बॉलीवुड पार्क। तो हमारी जो टूर है वो 3 घंटे की है, उसमें से 1.5 घंटा वो लोग हमको शूटिंग्स दिखाएंगे और बाकी के 1.5 घंटा वो लोग हमको यहाँ पर लेके जाएंगे। और इधर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जो कि हम फॉलो करेंगे। और यहाँ पर हमने 11 बजे की बस का स्लॉट बुक किया है तो हमारी बस आ गई है। और इधर पब्लिक देखिए, सब लोगों को सबसे आगे चढ़ना है, सबसे पहली सीट पर ही बैठना है। बट इधर का भी रूल्स है, वो लोग अपने लिस्ट के मुताबिक ही नाम अनाउंस करते हैं और आपको उसी के मुताबिक अंदर जाना है। तो नसीब थे हमारे अच्छे जो कि हमारा नाम सबसे पहले आ गया और फर्स्ट सीट हमको मिल गई। हमारी ये 7 होगा। अभिलेश नटराज सुपर प्रशांत जी रोहित आचार्य 5।
और यहाँ पर हर एक टूरिस्ट को उनके टूरिस्ट के आईडी कार्ड मिल रहे थे। तो हमारी जो बस थी उसमें ऑरेंज कलर था, तो हमारे सबके आईडी कार्ड ऑरेंज कलर के थे। हेलो जी हाँ, और ये किसकी आवाज है? एक्सक्यूज मी, वो यार कसम मेरे मरीजों की यार, कसम पापड़ में यार समोसे खाएंगे यार एकदम से। और ये किस एक्टर की आवाज है? और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें ये वाली जो टूर रहती है उसमें टूर गाइड भी हमारे साथ रहते हैं, 1.5 घंटे तक वो हमारे साथ रहेंगे, फिर बॉलीवुड पार्क में वो हमको छोड़ देंगे वहीं पर, फिर दूसरी बस आपको पिक करेगी। तो कुछ इस तरह से उनका सिस्टम है। और ये वाले जो भैया थे वो हमको सारी चीज़ें डिटेल में बता रहे थे। और इधर देखिए ये वाली जो जेल है वो देखने के बाद ज़रूर से आप लोगों को पता चलेगा कि ये जेल खास करके कर्मा मूवी में तो दिखाई ही गई है, अनुपम खेर जहाँ है, दिलीप कुमार जी है, तो उसके अलावा भी 90s 80s के बहुत सारे मूवीज़ में ये वाली जेल कॉमन है, और आजकल तो सीरियल्स में भी दिखाई दे रही है। तो ये कॉमन जेल बनाया हुआ है जो कि ज़्यादातर मूवीज़ में होता ही होता है। क्या बात, इसे कहते हैं संस्कार परंपरा, मेरा दिल नहीं बड़ा। चलो भाई निकालो दादा, संजीलाल भंसाली सबका सेटअप, पद्मावती, बाजीराव मस्तानी, सुल्तान, रामलीला, कलंक यही बनी, और यही पे गंगूबाई काठियावाड़ी बनी पूरी फिल्म। एक्सक्यूज मी, तो आप लोग बाहर से आए हुए ना? एक्सक्यूज मी, आप कहां से? मैडम इंदौर मॉल वाला। ये देखिए बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट है। और इधर देखिए बिग बॉस मराठी जो है वो इधर चल रहा था, इवन अंदर अभी शो चालू था, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए उतरे, बट वहाँ पर किसी ने अलाउ नहीं किया हमको देखने के लिए। छोटी बच्ची घूमे किसी प्यार की हीरोइन, वो देखिए सामने हीरोइन खड़ी है, दिख रहा आपको? दादा थोड़ा सा पीछे ले तो, आप उनको हाय करें तो वो बाय करेंगे आपको। अरे वाह, ये शूटिंग नागपुर की बताई जाती है, ये छोटी बच्ची बहुत अच्छी है, सभी है ना? और वो पीछे हीरोइन दिख रही है, सही वो देखिए सही, ग्रीन वाली जो है ना वो मेन हीरोइन इस सीरियल की, ले लो दादा, ले लो आगे, ले लो आगे, ले लो। आप सीरियल ने गुम है कि, और यहाँ पर आप देखिए गुम है किसी के प्यार के ही एक हीरो है जो कि इधर गाड़ी में बैठे हैं, उनका कुछ तो गाड़ी वाला सीक्वेंस का शूट चल रहा है। हर फूल मोहिनी, ये बंदूक वाले हैं ये तो, सेट ऐसे होते हैं सामने दिख रहा है, टोटल लकड़ी, प्लाईवुड, थर्माकोल, कलर, पीओपी कपड़े, वहाँ पर कोई आदमी साइलेंस रहेगा, कोई आदमी मोबाइल में निकल। तो ये जो शूट है वो हर फूल मोहिनी करके एक सीरियल है उसी का हमको दिखा रहे हैं। और ये जो शूट है वो दिखाया गया है कि हरियाणा में कहीं तो बस जा रही है और उस पर अटैक हो रहा है, और वहाँ पर कुछ तो टेररिस्ट लोग उस बस में अटैक करते हैं, तो वही सारी सीक्वेंस अभी इधर चल रही है। ये सारे ब्लैक शर्ट्स में जो गए वो सारे टेररिस्ट बने, तो हम सबको तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया नकली गन, नकली टेररिस्ट देखने के लिए। फिर हम देखने आ गए गुम है किसी के प्यार में का शूट जो चल रहा था, जो कि आउटडोर है, जो पैर उसका खराब है, साइलेंस रहेंगे। एक सीन देखिए, और वो शूट देखने के बाद हम लोग वापस निकल गए दूसरे सेट लोकेशन के लिए। और रास्ते में आ रहा है ये देखिए अजूनी, अगर कोई हॉटस्टार पे इसको फॉलो कर रहा है तो स्टार भारत पे ये वाला सीरियल आता है, तो उसी का सेट हमने देखा। यकीन मानिए अगर इनका मुंह धुल दिया जाए तो इनसे बड़ी हम लोग लगेंगे। शूटिंग दिखाना, एक्टर से मिलवाना, टूर का उद्देश्य नहीं होता, कोशिश हमारी पूरी होती है। सलमान भाई का बिग बॉस यहाँ चलता है, पहले कहाँ चलता था? एकदम सही, लोनावला जी। हर शुक्रवार और फ्राइडे को सलमान भाई यहाँ आते हैं जी, हर शुक्रवार और फ्राइडे को आते हैं। ये देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है, अंदर ही सब लड़ झगड़ रहे हैं। हम बता रहे हैं यहाँ पर ओम शांति ओम में दीपिका पादुकोण को जलाया था, फिर भी दीपिका जिंदा है। यहीं पे शाहरुख खान ने कहा था ऐसे, इतनी शिद्दत से तो मैं पाने की कोशिश की है कि हर सरल हर सरल ने तुमसे मुझे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरे कहना तुझे तुमसे मिलाने के लिए लग जाती है। चलिए ड्राइवर साहब, कहाँ हो? 8 बजे के घंटे पहुंचे तुम?
अभी हम लोग जा रहे हैं हेलीपैड, फिल्म सिटी की सबसे ऊंची पहाड़ी। आई डोंट नो, ये नीचे गिरने वाली जगह लग रही है सारी मूवीज में जो गिर जाती है। इधर से अपने को दिखाते हैं नीचे गिरे, अभी देखो किधर गिरते हैं। और लीजिए हम लोग आ गए एक फेमस पॉइंट पे जो कि हर एक सीरियल में दिखाया गया है और हर किसी को जिसको भी धक्का देना है वो इधर ही उसको गिराते हैं और नीचे से ही उसको पकड़ लेते हैं। तो ये एक जगह है जो कि बहुत सारी सीरियल्स में यूज़ की गई है और पीछे का नज़ारा भी आपको देखने को मिला। और उसके अलावा भी मूवीज़ में भी उन्होंने बताया कि क्रिश मूवी और दूसरे भी बहुत सारे मूवीज़ में ये वाली जगह शूट किया है। सही में एक अलग ही एक्सपीरियंस है और ख़ास करके आर्यन के लिए, उसको तो वैसे भी मूवीज़ का क्रेज़ है तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था कि टीवी में मूवीज़ में हम लोग जो भी देखते हैं सारी चीज़ें कितनी गलत होती है, कितना वो लोग चेंज करके हमको दिखाते हैं और हम लोग उन पे ट्रस्ट कर लेते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। उसकी जो कहानी होती है बहुत ही डिफरेंट रहती है, उसके लिए जो मेहनत होती है वो भी बहुत अलग होती है। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं एक और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जगह पे जो कि दिल मूवी अगर आप लोगों ने देखा है तो उसमें जो माधुरी और आमिर खान को बहुत सारे गुंडे लोग आते हैं वो वाला जो ब्रिज है वो आप देख सकते हो पीछे, वही ब्रिज के पास एक शूटिंग चल रहा है। कुछ तो इमली करके लड़की है, कोई सीरियल का ही शूटिंग चल रहा है। तो वही यही वाला ब्रिज देख के हमारी सारी 80s और 90s की मेमोरी ताज़ा हो गई। आप सबको भी पता चल गया होगा कि बहुत सारे हिंदी मूवीज़ में ये वाला ब्रिज दिखाया है। शूट चालू था तो हम लोग थोड़ी देर के लिए ही नीचे उतरे और एकदम ही साइलेंस रखना ज़रूरी था तो इसलिए मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया है, बट काफ़ी अच्छा लगा ये सारी चीज़ों को देखने के लिए। और ये लीजिए हम पहुंच गए एक और आइकॉनिक लोकेशन पे जो कि बहुत ही मतलब एक फेमस मूवी का लोकेशन है। अभी हम आए हैं बागवान मूवी जो है। बागवान मूवी जो है उसका जो शूट हुआ था वो जो बंगलो है वो इधर है ये जगह पे, अभी आप मेरे पीछे देख सकते होंगे तो वहाँ पर हम लोग आए हैं। तो फ्रेंड्स पार्ट वन जो है वो मैं इधर ही ख़त्म कर रही हूँ और पार्ट टू बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए रिलीज़ कर रही हूँ, तो वेट कीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का। और ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर से कीजिए, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।